नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में अंतिम चरण के प्रचार की, मोदी के गढ़ में राहुल प्रियंका की हुंकार की, जानेंगे यूपी में सपा सरकार की संभावना के कैसे मिल रहे हैं संकेत, मणिपुर में अंतिम दौर के चुनाव से पहले कैसे चुनाव आयोग की बड़ी चिंता, बात करेंगे गृह राज्य मंत्री की बेटी को जेल भेजने की तैयारी की, एनडीए में पड़ती फूट की और बुलेटिन के आखिर में बात यूक्रेन से लौटे छात्रों ने पीएम मोदी की कैसे की किरकिरी। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतिम चरण में सपा उम्मीदवार के समर्थन में मुलायम सिंह यादव भी आए मैदान में। जौनपुर में पार्टी की रैली में बीजेपी पर लगाए आरोप, जाति के आधार पर योगी राज में हुआ भेदभाव, गरीबों पर बीजेपी सरकार ने किया अत्याचार। श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट के पहले दिन मजबूत स्थिति में पहुंची टीम इंडिया। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 6 विकेट पर 357 रन बनाए, शतक से चूके ऋषभ पंत 96 रन पर हुए आउट। 12 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में दावा, तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए बढ़ाए जाएंगे दाम। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 768 अंक गिरकर 54,338 और निफ्टी 252 अंक गिरकर 16,245 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 5 मार्च को चुनाव प्रचार का शोर समाप्त हो रहा है। 7 मार्च को अंतिम चरण में 54 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है और पीएम ने आज वाराणसी में डेरा भी जमा लिया। तो अखिलेश यादव ने मऊ से पीएम के साथ ही यूपी के सीएम योगी को भी चुनौती दी है। चुनाव प्रचार के रण में मायावती भी दमदारी से डटी हुई है। तो यूपी में अंतिम चरण के प्रचार में किसने दिखाया दम, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों में 349 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है आखिरी और फाइनल चरण की। 7वें चरण में पूर्वांचल के आजमगढ़ से वाराणसी तक की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है, जहां पर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी और सपा के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इस चरण में होगी। यूपी में सत्ता के लिहाज से ये सबसे अहम है, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो के साथ साथ रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी का रोड शो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शुरू होकर लहुरा बीर मैदानगरी और काशी विश्वनाथ मंदिर होते हुए गुदौलियों से BHU तक पहुंचा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा गठबंधन में शामिल सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख OP राजभर के साथ मऊ में रैली की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जितवाने की अपील की। अखिलेश यादव ने BJP नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा, वैसे तो हम लोग गंगा मैया का पानी हाथ में उठाकर सच बोलने की शपथ लेते हैं, लेकिन BJP के लोग गंगा के पानी में स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होगा, जिसे लेकर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करने के लिए सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने जोर लगा दिया। आज मुलायम सिंह यादव, CM योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी आज वाराणसी पहुंचे तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 दिन पहले ही यहां पहुंच गईं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी काशी पहुंचे। कांग्रेस ने वाराणसी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वैसे चुनाव योगी सरकार को लेकर हो रहा है, लेकिन काशी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए कांग्रेस नेताओं ने योगी से ज्यादा मोदी पर निशाना साधा। काशी में आज पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तो काशी में कबीर मठ में ही डेरा जमा लिया है, तो आज राहुल गांधी भी कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने काशी पहुंच गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए राहुल और प्रियंका पैदल पैदल गलियों में घूमे। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद राहुल और प्रियंका गांधी ने रोड शो भी किया। इसके साथ ही काशी की पिंडरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद उन्होंने रोजगार, 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय दोगुनी करना, काला धन खत्म करने का वादा किया। उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात भी कही। अब ऐसा क्या हो गया कि वो इस चुनाव में रोजगार, नौकरी और किसानों की आय पर बात नहीं कर रहे हैं? इससे पहले राहुल गांधी ने महंगाई और रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार अब मुद्दों की बात नहीं करती, धर्म के आधार पर वोटों को बटोरने की कोशिश करती है।
पीएम मोदी ने पहले जो दावे किए अब उनकी बात नहीं करते, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है जिसमें भी बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है। इसके साफ साफ संकेत यूपी के अधिकारियों के पाला बदलने की तैयारी से दिख रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात की कोशिश में योगी के खास अधिकारी भी जुट गए हैं। इन खबरों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। यूपी में किसकी बनेगी सरकार, देश के सबसे बड़े सूबे का कौन बनेगा सरताज, जनता किसे पहनाएगी जीत का ताज, इन सवालों के जवाब 10 मार्च को सबके सामने होंगे। जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी वैसे वैसे नई सरकार की तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन उससे पहले अयोध्या में वोट बदलने से लेकर लखनऊ में मुलाकातों का दौर इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है, जबकि सपा की साइकिल सत्ता के सफर पर दौड़ने को तैयार है। दरअसल लखनऊ में बड़े ब्यूरोक्रेट्स अखिलेश से मुलाकात की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ पुराने रिश्ते याद दिलाना चाहते हैं तो कोई नए रिश्ते की भी नींव रखना चाहता है। दिलचस्प बात तो ये है कि कल तक जो सीएम योगी के सबसे करीबी अधिकारियों में शामिल थे वो अब अखिलेश यादव से एक मुलाकात करने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का दावा है कि पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अफसर अब तक अखिलेश से मुलाकात भी कर चुके हैं। योगी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले एक सीनियर आईएएस अफसर अखिलेश से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सपा चीफ फिलहाल उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। पुलिस महकमे के भी कई अफसरों से अखिलेश की मुलाकात हो चुकी है। सपा नेताओं का दावा है कि कुछ खास इशू पर उनकी चर्चाएं हुई हैं। इसके साथ ही योगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाली महिला आईएएस भी सपा सुप्रीमो के संपर्क में है। अधिकारियों को लगता है कि अखिलेश दोबारा सीएम बन सकते हैं, इसलिए अभी से अपनी कुर्सी पक्की कर लेना चाहते हैं। खबर ये भी है कि कुछ अधिकारी अखिलेश सरकार में मुख्य सचिव रहे सीनियर आईएएस आलोक रंजन के जरिए अखिलेश खेमे में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगे हैं। आलोक रंजन फिलहाल अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और माना जा रहा है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अब नतीजों से पहले मिलने मिलाने का दौर तो तेज हो चुका है, जिसके बाद अटकलें भी बढ़ गई हैं कि अब की बार अखिलेश की सरकार। ब्यूरोक्रेट जो संकेत दे रहे हैं उससे तो यूपी में अखिलेश की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन मणिपुर में किसकी सरकार बन सकती है? यहाँ की 60 में से 38 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, बची सीटों पर कल यानी 5 मार्च को वोटिंग है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ गई है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 28 फरवरी को हो चुका है। सोमवार को राज्य की कुल 60 सीटों में से 38 सीटों पर वोट डाले गए थे। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार गुरुवार को समाप्त हो चुका है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शनिवार को 22 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 2 महिला उम्मीदवारों सहित कुल 92 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर के नतीजे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ 10 मार्च को सामने आएंगे। इस चुनाव के बारे में एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि 92 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 14 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों में जेडीयू में आपराधिक मामले वाले सबसे ज्यादा यानी 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तो पूरी कर ली हैं, लेकिन मतदान से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई और बाद में जबरदस्त हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए, साथ ही वाहनों को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया है। वोटिंग से ठीक पहले हुई इस हिंसा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है और पोलिंग बूथों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस 28 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर थी। बावजूद इसके वो सत्ता से दूर रह गई थी। बीजेपी ने 21 सीटें जीतने के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी की 4, नगा पीपुल्स फ्रंट 4, लोजपा 1 और 2 अन्य विधायकों की मदद से मणिपुर में सरकार बनाई थी। राज्य में बीजेपी के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे। 10 मार्च को मणिपुर सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का परिणाम सामने आ जाएगा। इस दिन सबसे ज्यादा नजरें टिकी होंगी यूपी पर। यूपी की सत्ता पर किसका राज होगा? सपा की ओर से तो अभी से ये दावे किए जाने लगे हैं कि अखिलेश आने वाले हैं और किसानों को सताने वाले जेल जाने वाले हैं। तो आखिर किसके जेल में जाने की हो रही है बात, इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने के बाद बीजेपी के जितने भी गुंडे हैं उन्हें उनकी जगह पहुंचा दिया जाएगा। जिन्होंने किसानों को सताया उनका हिसाब होगा। इसके बाद ही दावा हो रहा था कि 10 मार्च को यूपी विधानसभा चुनावों का परिणाम सामने आएगा और सबसे पहले कार्रवाई गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू पर होगी, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाली घटना का मुख्य आरोपी है। 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्र है, जिसे पहले चरण के चुनाव के दौरान जमानत मिल गई थी, लेकिन अब मोनू की जमानत खारिज होने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल जब से आशीष मिश्र को जमानत मिली है तभी से ये सवाल के घेरे में है। आशीष की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा और दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्र की जमानत खारिज हो सकती है, जिससे वो एक बार फिर जेल पहुंच जाएगा। सपा नेता भी ये संकेत दे रहे हैं कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले आशीष पर ही कार्रवाई हो सकती है। आशीष मिश्र की जमानत पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आशीष की जमानत खारिज हुई तो उसे जेल जाना होगा, जिससे बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी के साथ एनडीए की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। सीबीआई जांच को लेकर एनडीए सरकार को जोर का झटका लगा है। एनडीए शासित मेघालय सीबीआई की जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य बन गया है। सीबीआई जांच को लेकर एनडीए सरकार को जोर का झटका लगा है। एनडीए शासित मेघालय सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस लेने वाला 9वां राज्य बन गया है। खबरों के मुताबिक सीबीआई जांच एजेंसी के बड़े अधिकारियों ने गुरुवार को संसद की एक समिति को ये जानकारी दी है। इससे पहले मिजोरम और गैर एनडीए शासित 7 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल ने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ली है। मेघालय में सत्ता पर काबिज गठबंधन में बीजेपी भी साझेदार है, जहां नेशनल पीपल्स पार्टी के नेता कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई के बड़े अधिकारियों ने समिति को बताया कि इन 8 राज्यों में बहुत से मामलों में जांच के लिए 150 अपीलें पेंडिंग हैं। जो मामले जांच के लिए लंबित हैं वो बैंक धोखाधड़ी, जालसाजी और धन के गबन से जुड़े हुए हैं। सीबीआई के निदेशक सुबोध जायसवाल और एजेंसी के दूसरे अधिकारियों ने वरिष्ठ बीजेपी नेता सुशील मोदी की अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत विधि व न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखा। समिति के सूत्रों ने कहा कि जब कुछ सदस्यों ने सीबीआई से आम सहमति वापस लेने के बारे में पूछा तो एजेंसी के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी है कि अब तक 9 राज्यों ने आम सहमति वापस ली है, जिनमें सबसे ताजा मामला मेघालय का है। मिजोरम 2015 में इसे वापस लेने वाला पहला राज्य था। उस समय राज्य में कांग्रेस का शासन था, तब मुख्यमंत्री ललित नेहरवा थे। 2018 में जोरम थंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में आया, लेकिन उनकी पार्टी एनडीए की सहयोगी होने के बावजूद सीबीआई को लेकर सहमति नहीं बना पाई थी। दरअसल विपक्षी राज्यों का आरोप है कि सीबीआई अपनी जांच में निष्पक्ष नहीं है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्र के हाथ में ये एक टूल बन गई है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी की हुई किरकिरी की। यूक्रेन रूस विवाद के चलते भारतीय छात्र वहां फंस गए और कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी सरकार का सुस्त रवैया ही देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर भी आ गई। अब इस बीच कुछ बच्चे जैसे तैसे भारत लौट रहे हैं, जिस पर मोदी सरकार ने वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन सरकार की किरकिरी हो गई। आखिर कैसे हुई सरकार की किरकिरी, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार हमेशा से ही आपदा में प्रचार का अवसर तलाश ही लेती है और इस वक्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकाल कर भी यही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी ये कोशिश इस बार नाकाम हो गई, जब यूक्रेन से वतन वापसी करने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए कहा गया तो सन्नाटा पसर गया और किसी ने नारे नहीं लगाए। दरअसल इस मुश्किल वक्त में भी सरकार सिर्फ प्रचार के अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है और छात्रों को वापस लाकर सिर्फ तारीफें लूटना चाहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना का जो 4था विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरवेस आया था, उसमें छात्र छात्राओं से मंत्री अजय भट्ट भी मिलने पहुंचे। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि पीएम मोदी एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इन बच्चों से मोदी जी जिंदाबाद का नारा भी लगवाया, लेकिन उनकी इस कोशिश पर बैच के अधिकतर बच्चों ने चुप्पी साध ली थी। इतना ही नहीं, देश लौट
की एक लड़की ने कहा कि वो लोग अपने प्रयास से मुल्क वापस आ पाए हैं। ऐसे में सरकार को वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। एक अन्य छात्र ने कहा कि सरकार पश्चिमी हिस्से से लोगों को ला रही है जो पहले से ही सुरक्षित है। जो लोग यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुँचे हैं वो अपने बलबूते पहुँचे हैं, वहाँ उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। यानी सरकार जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी उसकी ये कोशिश फेल हो गई है और पीएम मोदी की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।